दोस्तों देश के सबसे बड़े गवर्नमेंट बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपने अपना अकाउंट ओपन करवा लिया है और आप यहां पर चेक करना चाहते हैं कि आपके अकाउंट में कौन सा मोबाइल नंबर यहां पर रजिस्टर्ड है, सो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ कि स्टेट बैंक के अकाउंट में आपका कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, आप यहाँ पर घर बैठे किस तरह से चेक कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे भाई अपने अकाउंट में मोबाइल नंबर को चेक करने के लिए बैंक की लंबी लंबी लाइनों में यहां पर लगते हैं, तब जाकर उन्हें पता चल पाता है कि उनके बैंक अकाउंट में कौन सा मोबाइल नंबर यहां पर रजिस्टर्ड है। लेकिन अगर आज आप मेरी इस वीडियो को स्टार्टिंग से आखिर तक देखते हैं तो आप यहां पर दो मिनट के अंदर यहां पर सीख जाएंगे कि आपके बैंक अकाउंट में कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। सो दोस्तों अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं यहां पर आपके लिए बैंक से जुड़ी वीडियो एंड गवर्नमेंट सेक्टर जुड़ी वीडियो लाता रहता हूं। अब दोस्तों अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो मैंने अपना न्यू यूट्यूब चैनल क्रिएट कर दिया है जिसका नाम है नमन अर्निंग गुरुजी। उस यूट्यूब चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड वहीं पर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मिल जाएगी जहां पर मैं आपको लेटेस्ट अपडेट एंड ट्रिक प्रोवाइड कराता हूं। तो अब हम यहां पर स्टार्ट करते हैं अपनी मेन वीडियो। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, इसे जानने के लिए सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहां पर आपको सिंपली सर्च करना है SBI क्विक। जैसे ही आप यहां पर SBI क्विक सर्च करते हैं आपके सामने फर्स्ट नंबर पर ये एप्लीकेशन निकल कर आती है, SBI क्विक समाधान फाइंडर एंड हॉलीडे कैलेंडर। ये एप्लीकेशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ऑफिशियल एप्लीकेशन है, तो आप इसे यहां पर बिना टेंशन लिए अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर सकते हैं। एंड डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस यहां पर निकल कर आएगा। यहां पर दोस्तों आपको अपने अकाउंट में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है इसे चेक करने के लिए सबसे पहले आपको अकाउंट सर्विसेज पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां पर अकाउंट सर्विसेज पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस यहां पर निकल कर आएगा। तो यहां पर आपको सबसे ऊपर इंक्वायरी का एक टैब यहां पर दिख जाता है, तो आपको यहां पर इस कॉल वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। कॉल वाले आइकन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने SBI का बैलेंस इंक्वायरी का नंबर यहां पर आपका आ जाएगा 9223756x। सो दोस्तों ये मोबाइल नंबर को आपको अपने मोबाइल से डायल करना है, यानी कि जिस नंबर को आप चेक करना चाहते हैं कि आपका वो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट में लिंक है या फिर नहीं, उस मोबाइल नंबर से आपको इस नंबर को डायल करना है। डायल करने के बाद ये मोबाइल नंबर आपका कनेक्ट हो जाएगा। एंड कनेक्ट होने के बाद खुद से जब आपकी कॉल कनेक्ट हो जाती है तो आपका ये कॉलिंग खुद से ऑटोमेटिकली डिसकनेक्ट हो जाती है। जैसे दोस्तों आप इस नंबर को डायल करते हैं तो आपके पास SBI की तरफ से आपके अकाउंट का बैलेंस शो हो जाता है, यानी कि जितना बैलेंस आपके बैंक अकाउंट में है वो बैलेंस यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पर हमने कन्फर्म कर लिया है कि जिस मोबाइल नंबर से हमने मिस कॉल करी है वो मोबाइल नंबर हमारा बैंक में लिंक है। अगर हमारा ये मोबाइल नंबर बैंक में लिंक ना होता तो हमारे मोबाइल पर ये हमारे अकाउंट का बैलेंस शो ना होता। दोस्तों जब हमारा मोबाइल नंबर हमारे बैंक अकाउंट में लिंक नहीं होता है तो हमें यहाँ पर कुछ इस तरह का मैसेज शो होता है, दिस मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड फॉर दिस फैसिलिटी, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने कंप्लीट प्रोसेस सीख लिया है कि आप यहाँ पर अपने अकाउंट में आपका कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है आप किस तरह से चेक कर सकते हैं। सो दोस्तों अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए बैंक से जुड़ी वीडियो एंड गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ी वीडियो लाता रहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।